एक साहब की शादी हुई, उन्हें नर्मो नाजुक लड़कियां बहुत पसंद थी। उन्होंने शादी की तो एक ऐसी औरत से शादी हो गई जिसके हाथ पांव भी बड़े भारी भारी थे और कद काठ वाली औरत थी। तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने तो किसी और औरत को चाहा था और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यानी मेरी शादी एक ऐसी औरत से हो गई। लेकिन नागवारी के साथ चलते रहे। कुछ दिनों के कुछ ही अरसे के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ कि वो कुछ भी करने के काबिल ना रहे। अब उस औरत ने घरेलू जिम्मेदारियाँ भी निभाई लेकिन घर से बाहर वो कमाने के लिए भी निकलती और शौहर के साथ उसने सलूक भी करती। फिर तो उसे अल्लाह की बात का बहुत यकीन आया कि हो सकता है तुम्हें एक औरत नापसंद हो लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भलाई लिख रखी हो। तो ये इंसान नहीं समझ सकता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला ने किस के लिए किस में भलाई रख दी है। इसलिए कभी निकाह के बाद औरत को कराहत के साथ अपने साथ नहीं रखना चाहिए, उसमें खैर के पहलू तलाश करने चाहिए। एक खातून ने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड जिस वक्त अपने लिए ड्रेसेस लेके आते हैं तो एक एक शर्ट इतनी कीमती होती है, इतने कीमती परफ्यूम, हर एक चीज़ इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई उनकी चॉइस अच्छी है, लेकिन जिस वक्त हमारे लिए लेने की बारी आती है तो हम शायद 20वीं कैटेगरी में भी नहीं आते जिस नौयत के वो अपने लिए चीज़ें पसंद करते हैं। मुझसे उन्होंने सवाल ये किया था कि क्या किसी नफीस ज़ौक रखने वाले का मामला ऐसा हो सकता है कि उसका ज़ौक अपने लिए तो नफीस हो लेकिन अपने घर वालों के हक़ में वैसा नफीस ना हो। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है कि जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, यानी अपने बराबर का समझो, जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो उसके लिए भी पसंद करो। और कितना इंसाफ है ना, और इस इंसाफ की जजा कितनी बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपनी बीवी को जो कुछ देगा वो सदका होगा, जो कुछ भी देगा। और अब कितना मेहरबान है कि एक मर्द के दिल को किस तरह से औरत के लिए खर्च करने के लिए तैयार किया है कि आप दोगे वो आपकी जानिब से सदका हो जाएगा, आपको बीवी का हक अदा करने का भी अजर मिलेगा लेकिन अल्लाह ताला आपको सदके का सबब देगा। दूसरी अहम बात यह है कि बीवी को जो हक हासिल है कि बीवी को वक्त दिया जाए। नॉर्मली आप देखेंगे बीवी के पास वो वक्त होता है जिस वक्त में शौहर मोबाइल पे बातें करते रहते हैं या टीवी देखते हैं या यह है कि फेसबुक पे लगे हुए होते हैं या यानी उस दौरान इवन अब खाना भी महफूज नहीं रह गया। और रियली हमें अपने घरों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा हो रही है कि आपका नाश्ता है या रात का खाना। नॉर्मली लंच पे लोग कम इकट्ठे होते हैं लेकिन लोग खाना खाने भी बैठते हैं तब भी मोबाइल नहीं छोड़ते, तब भी यानी दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ है। तो कुछ औकात में पाबंदियाँ लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपस के ताल्लुकात तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। आप इमेजिन करें कि जो बिल्कुल करीब बैठे हुए उनसे कोई ताल्लुक नहीं और लाख यानी सैकड़ों मील दूर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात रखने में इंसान इतना कॉशियस है कि किसी ने क्या पोस्ट लगा दी है, इस वक्त क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं होगा अगर आप खाना खा लेंगे। इतनी देर में दुनिया में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ जाएगी और अगर आ भी गई तो कोई बात नहीं, बाद में कोप कर लीजिएगा। सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं अपनी बीवी के लिए आरास्ता होना पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी के लिए बनूँ संवरूँ जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए बने संवरे। अरबास बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया जब आदमी अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे अजर व सवाब मिलता है। मैं ये हदीस सुनकर उठा, अपनी बीवी को पानी पिलाया, फिर उसे हदीस सुनाई। बहुत ही प्यारी हदीस है। कितना सादा है हमारा दीन, कितना आसान है और कितना ज़्यादा इंसानी ताल्लुकात में खुशगवारियत पैदा करने वाला। मर्द और औरत के ताल्लुक के दरमियान जिस मुआशरे में लोग रहते हैं उसके असरात बाकी रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, जितना जी चाहे मर्द तालीम याफ्ता हो जाए लेकिन उनकी सारी तवक्कात खातून से होती हैं, पानी पिलाना, खाना खिलाना, बल्कि ये कि
कपड़े कौन से निकाल कर दिए जाएं और दीगर ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जाए, वापसी पे भी इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, बहुत ही अच्छा है, खुशाइंद है, मोहब्बत भी बढ़ती है, लेकिन कुछ मर्द को भी करने दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिलाने पर ये खुशखबरी दी है कि इस पर भी अजर व सवाब होगा। और आप देखें कि उस पर जो सहाबी रसूल का तर्ज अमल है वो साबित करता है कि मर्द का दिल किस तरह से मुतासिर होता है, अजर के उसूल के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ के काम करना चाहता है। असल ये है कि मर्द हो या औरत, उन्हें अपने करीबी साथी यानी अपने स्पाउस के लिए कुछ भी करते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अजर अपने साथी से नहीं लेना, अजर अल्लाह ताला की जात से लेना। इसकी वजह से कोई भी काम करना मुश्किल नहीं रह जाता, फिर आसानी पैदा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत यह है कि बीवियों के शौहरों पर और शौहरों के बीवियों पर हुकूक है, जिन हुकूक से उमूमी तौर पर लोग नाशना होते हैं, जिसकी वजह से जिस बात को भी दीन के नाम पर बता दिया जाए उसको ही कबूल कर लिया जाता है, खा उसमें ख्वातीन कितना ही तल्ख महसूस करें। मिसाल के तौर पर हमारी सोसाइटी में ख्वातीन को जो तरीक़े ज़िंदगी सिखाया जाता है, शौहरों के साथ जो तर्ज़ अमल सिखाया जाता है, उमूमी तौर पर आप देखिए कि वो तो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। इस वजह से तमाम बच्चियों को ये कहा जाता है कि अपने शौहरों के साथ ऐसा मामला करना है। मैं इस मौके पर एक इरादा आपसे जरूर करवाना चाहती हूँ। अब इरादा ये करना है कि कोई भी काम इस्लाम के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जाने बगैर अंजाम नहीं देने। नंबर एक तो ये है कि इसका इल्म हासिल करें। नंबर दो ये है कि हर काम करते हुए ये जरूर सोचें कि इसका हुक्म मुझे किसने दिया, और अल्लाह ताला के लिए उसकी खुशी के लिए उस अमल को खालिस करें। फिर आप देखें कि आपके अंदर कितनी तस्कीन और मोहब्बत उतरती है इंशाअल्लाह ताला। औरत को अपने हुकूक और अपने बारे में अल्लाह ताला और रसूल के अहकामात से इतना आशना जरूर होना चाहिए कि दरअसल क्या चीज मेरे हक में आती है और क्या चीज मेरे साथ जुल्म है, ज्यादती है। जो ही अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो ख्वातीन अंदर ही अंदर घुट के रह जाती हैं कि शायद हमें किसी नौयत का हक नहीं दिया गया। इन अहदीस से ये पता चलता है कि ऐसा मामला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपनी बीवियों से हुस्ने सलूक करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयारुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतरीन है, और मैं अपनी बीवियों के हक में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ सबसे ज्यादा हुस्ने मामला करने वाले थे, उनके हुकूक इंतहाई अच्छे तरीके से अदा करने वाले थे। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, किसी की बीवी का उस पर क्या हक है? फरमाया, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, और देखो उसके चेहरे पर मत मारो और उससे बुरी बात मत कहो, और घर के अलावा कहीं उसे तन्हा ना छोड़ो। इंसाफ करने वाले कयामत के दिन अल्लाह ताला के दाएं हाथ होंगे और अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हैं, नूर के मिंबरों पर होंगे। ये वो लोग होंगे जो अपने जिम्मे सौंपे गए कामों और अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे, जिनको रब्बुल इज्जत की जानिब से नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। उसका एक सबब घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक है।